दोस्तों आप लाफिंग का किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्टेशन नहीं जाना है क्या? अरे मम्मा क्या तुम भी ठंडे में ट्यूशन करती रहती हो, कितना ठंडे पड़ रहा है लेकिन फिर भी ट्यूशन जाना जरूरी है क्या? और ये साला घड़ी भी, 5 मिनट सोना चाहो ठंडे में कि जाते हैं थोड़ा लेट से उठ जाएंगे तो ये घड़ी साला आधा घंटा आगे निकल जाता है। अरे मम्मी आज हमारे ट्यूशन जाने का मन नहीं है, लगता है आज हम ट्यूशन नहीं जा पाएंगे, बता दे रहे हैं पहले हमको और सोने दो। बेटा कालिया, ट्यूशन तुम्हारे मन से नहीं चलता, ट्यूशन हमारे पैसे से चलता है और पैसा लाने के लिए कमाना पड़ता है और कमाने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए ट्यूशन में जाना पड़ता है और आज तू ट्यूशन जाएगा तो जाएगा, आज तू ट्यूशन जाएगा। अरे मम्मा अरे आज बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है मम्मा, आज हम नहीं ट्यूशन जा पाएंगे मम्मा, हम आज नहीं ट्यूशन जा पाएंगे। तुम्हें ट्यूशन जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए तू ट्यूशन जाएगा तो जाएगा, चाहे तुम्हें ठंडी मारे या चाहे तुम्हें लू मारे तू ट्यूशन जाएगा तो जाएगा, तुम्हें आज ट्यूशन जाना है तो जाना है। मम्मा रुको यार, जा रहे हैं, पूरा दिमाग खराब कर दिया, सुबह उठते उठते हम जा रहे हैं ट्यूशन जा रहे हैं, चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। अरे यार चिंटू क्या बताएं, हमारी मम्मी हमारे घर की बादशाह हैं, इतना ठंड पड़ रहा है फिर भी हमारी मम्मी ने हमको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया। अरे भाई कलिया एकदम सही कह रहे हो, हमारे घर का भी यही हाल है। अरे यार चिंटू एक बात तो साफ है, मम्मी लोग का कुछ काम धाम होता नहीं है, इसी के कारण बच्चों पे गुस्सा उतारती रहती है। और पिंटू तू क्या कर रहा है, तू आज इतना उदास क्यों है? अरे क्या यार कलिया क्या बताएं, हमको मास्टर आज छोड़ेगा नहीं क्योंकि कल का जो होमवर्क था ना वो मैं नहीं बना पाया हूँ, इसके कारण मास्टर हमको छोड़ेगा नहीं कलिया। ऐसा वैसे भी हरामी मास्टर है, नाम तो देखो कैसा है, मरमरी, ऐसा कोई मास्टर का नाम होता है यार कलिया? अरे यार पिंटू तुम भी खामखा टेंशन ले रहे हो, ये मास्टर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, आने दो नहीं से तो हम ऐसे ही लपेटे में ले लेंगे यार, तुम टेंशन मत लो, ये मास्टर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे टोटला तूने सारा प्रश्न बना लिया? अरे हाँ भाई हाँ, मैंने ताला प्रश्न बना लिया। अरे अरे तू रहने दे, मत बता। सुनो हमारा नाम है ममरी, मार के खींच लेते हैं चमड़ी। सुनो यहाँ पर कोई हल्ला नहीं करेगा और साथ ही बकवास भी कोई नहीं करेगा, और जो ऐसा करेगा वह बहुत ही बुरी तरह से पेला जाएगा, ठीक ना? और कृपया करके शांति से बैठे रहो। अरे सर यहाँ पर तो कोई शांति वांति नहीं है, बताइए किसके साथ बैठ जाए? बेटा कलिया। बस सर बस, आगे एक लफ्ज नहीं बोलिएगा, बेटा कहने का हक सिर्फ मेरे बाप को है, आपको नहीं। अरे कलिया अरे 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 तुम तो बुरा मान गया रे कलिया, अरे हमारा जवान फिसल गया था रे कलिया, ऐसे ही जवान फिसल गया था रे कलिया। हाँ तो सर अपने जवान को लगाम दीजिए, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरी तरह फैले जाओगे। अरे कलिया हमें फैलने की औकात नहीं, और तुम चुपचाप बैठो, नहीं तो मेरा नाम है ममरी, मार के खींच लेता हूँ चमड़ी। बच्चों आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न दूंगा जिसे तुम्हें हल करना है, और तुम लोग प्रश्न को ध्यान से लिखना। क्या प्रश्न को ध्यान से लिखना है, प्रश्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो फिर प्रश्न लिखो, मैं बोलता हूँ। एक अंडरवियर यानी कच्छी को लेने के लिए 80 रुपया लगता है, लिख लिया? एक अंडरवियर यानी कच्छी को लेने के लिए 80 रुपया लगता है, मेरे पास शर्ट की पैकेट में 40 रुपया है और पैंट की पॉकेट में 20 रुपया, तो बताओ पूरा कितना रुपया हुआ मेरे पास? अरे सर आपके पास 40 और 20 60 रुपया है। अरे सर सही में कलिया सही बोल रहा है, 60 रुपया होगा सर, 60 रुपया। अच्छा मेरे पास 60 रुपया है, मेरा कच्ची फट गया है, मेरा ही कच्ची लेना है, बताओ अब कितना रुपया और लगाना पड़ेगा कि ये कच्ची हो जाएगा? जी सर 20 रुपया, 20 रुपया और लगाइएगा तो 60 और 20 80 हो जाएगा सर, 20 रुपया और लगाइएगा तो एक नया कच्ची हो जाएगा सर। अच्छा 20 रुपया लगाना है, और
और बताओ, हमें 60 रुपए में कच्छी लेना है तो कैसे ले सकते हैं? अरे सर, आप दुकान पे जाइए और दुकानदार से बोलिए कि मेरे पास 60 रुपए है और 80 रुपए वाला कच्छा लेना है, दो बार पहन के दे दो 60 रुपए।